हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग बताइए हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। तो हम लोग बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हैं, बहुत अजब का ही सुकून मिलता है। इतना अच्छा लगा ना वहाँ जाके कि पूछो मत। और यहाँ आप लोग व्यू देख भी सकते हैं, कितना अच्छा व्यू है, पूरा पहाड़ पहाड़ है। और मौसम भी इतना अच्छा था कि बता नहीं सकते। और ऐसे मौसम में घूमने जाने का ना तो मज़ा ही कुछ अलग होता है। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे मौसम में घूमने का, और बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा चारों तरफ पहाड़ है। और यहीं तक रोड अच्छा है, उसके आगे रोड थोड़ा ख़राब था, लेकिन जगह बहुत ही अच्छी जगह है। बहुत अच्छा लगा घूमने के बाद में। और हम लोग गए भी बहुत देर हो गया था और आने में भी बहुत टाइम लग गया था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और कोई बात नहीं, घूमने जाते हैं तो लेट तो लगता ही है। पूरा पहाड़ पहाड़ मौसम देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सब लोग हंसी मजाक चल रहा है सबका, सब लोग एक एक कॉमेडी कर रहे हैं, हस्बैंड भी एक एक कॉमेडी कर रहे हैं, बच्चे भी, और सब लोग कुछ कुछ बोले जा रहे हैं, सब लोग हंसे जा रहे हैं। बच्चे खुश हो जाते, देखो मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है, उसको एक एक कॉमेडी हस्बैंड बोल रहा है और वो हंसे जा रहा है। और मुझे भी बहुत हंसी आ रही थी। एकदम सब थक के एकदम वो हो गए हैं। अभी तो जाने की खुशी है तो सब लोग बहुत खुश है, अभी किसी को कोई थकावट वकावट नहीं लगी है। सब लोग एक एक कॉमेडी कर रहे हैं, एक एक डायलॉग बोल रहे हैं, उधर बेटा बोल रहा है, इधर हस्बैंड बोल रहा है। इधर धूप लग रहा था तो हस्बैंड ने कांच को इधर कर लिया, क्योंकि बहुत धूप, अभी तक धूप नहीं था, अभी अभी धूप हो रहा है। मतलब धूप वैसा धूप नहीं है, थोड़ा थोड़ा धूप हो रहा है तो वो लाइट लगता है, तो इसके वजह से थोड़ा ड्राइविंग में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे लग गया ट्रैफिक। और यहाँ किसी का ना घर बन रहा था, बना हुआ था, तो गृह प्रवेश था, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये सामने वाला घर है, यही है शायद, क्या इसी में लाइटिंग वगैरह लगी है, तो यही होगा, ही गृह प्रवेश हो रहा था। तो बहुत ही भीड़ भीड़ थी उधर, इसीलिए ट्रैफिक लग गया था। अभी सब लोग आगे निकल गए हैं। और हाँ ये घर है, देखिए बलून वगैरह लगा था, तो गृह प्रवेश ही था। गाड़ी में बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाता है, आप लोग को भी पता ही है, दूर का रास्ता रहता है तो गाड़ी में बैठ बैठ के हालत ख़राब हो जाता है। लेकिन अभी जाने की खुशी इतनी थी कि थकावट नहीं लग रही थी, आते समय हालत ख़राब हो जाती है। और अभी अभी थोड़ा धूप हुआ है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, नहीं तो एकदम बारिश बादल। यहाँ धूप तो बहुत कम ही होता है। और ये देखिए यहाँ पे पूरा इतना अच्छा व्यू है, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, इतना अच्छा लग रहा है। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ आ चुके हैं। और ये रहा गेट। और मैं आप लोग को बता देती हूँ हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं आदियोगी घूमने, दर्शन करने जा रहे हैं आदियोगी का। और आदियोगी भगवान हमारे दिख भी गए हैं गाड़ी में भी, तो हम लोग जा रहे हैं आदियोगी घूमने। और यहाँ पे बैंगलोर में ही है, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग दर्शन करने। वहाँ कोयम्बतूर वाले गए थे हम लोग, तो वहाँ तब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया था वहाँ का। तो यहाँ पे अभी हम लोग जब बेंगलोर में हम लोग आए तो यहाँ मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोग को यहाँ का भी ब्लॉग दिखा दूँ। आप लोग भी यहीं से दर्शन कर लीजिए, आप लोग जहाँ जहाँ भी है वहीं से ही दर्शन कर लीजिए आदियोगी का। तो अब देखिए फिर वही मौसम हो गया है,
एकदम बादल बादल, पूरा बारिश नहीं हो रही है, एकदम बादल बादल है और ठंडी भी है। और यहाँ का रोड थोड़ा अच्छा नहीं है, पूरा गिट्टी विट्टी, अभी बन ही रहा है क्योंकि ये अभी नया मंदिर बना ही है यहाँ पे, तो पूरा पहाड़ वहाड़ तोड़ ताड़ के बनाए हैं ये लोग, तो अभी आप लोग देख ही सकते हैं, अभी रोड अच्छे से बना नहीं है, तो इसी की वजह से ट्रैफिक बहुत है और ड्राइविंग करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो गाड़ी स्पीड में भी नहीं भगा सकते हैं क्योंकि, और जल्दी पहुंचना भी है, नहीं तो बोल रहे मंदिर बंद हो जाएगा, और लेकिन मंदिर बंद नहीं होता है, सबका सब लोग उल्लू बन के चले आए क्योंकि हम लोग को जाना था। हस्बैंड बोले 4 बजे के बाद में मंदिर बंद हो जाएगा, और हम लोग जल्दी जल्दी गए, जल्दी जल्दी आ गए, और बोले 4 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा, 4 बजे के बाद में हम लोग पहुँच के भी क्या करेंगे, लेकिन नहीं दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग गए और आ भी गए जल्दी से, हम लोग निकल गए, हस्बैंड बच्चे मैं हम लोग, और लेट नहीं, मतलब वो जो असली व्यू, असली मज़ा था ना वहाँ पे, और असली व्यू देखना था, दर्शन करना था ना, तो वो शाम को ही होता है क्योंकि वहाँ पे ना लाइटिंग वगैरह होती है उस समय, तो उस समय का वीडियो देखने लायक था, उस समय मतलब व्यू जो वहाँ का था वो बहुत अच्छा था उस, तो हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग चले आए बाद में पता चला, हम लोग गए वहाँ पे, तो हम लोग पहुँचे थे 5 बजे तक पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पे बहुत भीड़ थी और हम लोग को पता ही नहीं था, मैं हस्बैंड बच्चे थे मेरा बुबू था, तो हम लोग को पता ही नहीं था कि वहाँ पे शाम को ही सारा व्यू जो रहता है ना वो मंदिर बंद नहीं होता है, मंदिर शाम को ही, असली दर्शन करने का मज़ा ना शाम को ही है, 7-7.30 बजे के बाद, 8-8:30 तक शायद वहाँ लाइटिंग वगैरह होती है, तो भोले बाबा की जो लाइटिंग होती है ना उसको देखने के लिए सब लोग जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं था, हम लोग गए और जल्दी जल्दी भाग के चले आए, हम लोग को लगा कि 5-6 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, और हम लोग का हो गया पोपट वहाँ जाके, और हम लोग ऐसे चले आए बिना लाइटिंग देखे, तो अब सोच रहे हैं फिर से जाएंगे एक बार हम लोग दर्शन करने, तो वहाँ जाके पहले हम लोग लाइट शाम को ही जाएंगे, लेट निकलेंगे ताकि जो लाइटिंग है वो देख सके हम लोग, तो अभी मेरे हस्बैंड फ़िलहाल गए थे फिर एक बार, तो यहाँ वाले पे नहीं गए थे, बैंगलोर वाले में कोयम्बतूर गए थे, तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का वीडियो बनाया है मैंने, तो मैं अपलोड करूँगी अभी थोड़ी देर बाद में अपलोड होगा, अभी नहीं 2-3 दिन बाद में अपलोड करूँगी क्योंकि वीडियो को एडिट वगैरह भी करना है, तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं, तो जो मेन मज़ा है ना वो लाइटिंग देखने का ही है, तो हम लोग लाइटिंग जब देखने का हुआ भोले बाबा का, तो हम लोग घर चले, हमको पता ही नहीं था, और अब फिर से सोचे हम लोग जाने के लिए, तो अभी हस्बैंड गए थे जल्दी में ही, तो वो वहाँ गए थे कोयम्बतूर का, तो वहाँ पे लाइटिंग वगैरह का शो देख के आए, बहुत ही अच्छा था, तो उसका भी वीडियो आएगा जल्दी, आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा, तो अभी एडिट वगैरह करना है वीडियो, तो एडिट नहीं हुआ है, मुझे टाइम नहीं मिला था इसकी वजह से मैंने अभी एडिट नहीं किया, तो ये वाला वीडियो मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, आप लोग देखिए और बताइए कि आदि योगी भोले बाबा का मंदिर आप लोग को कैसा लगा, आदि योगी भगवान कैसे लगे, तो गजब का मतलब मंदिर है दोस्तों, इतना गजब का आदि योगी की मूर्ति है ना, अभी आप लोग देखते रहिएगा, इतना दूर से आप लोग को देखने को मिलेगा आदि योगी की मूर्ति, अभी तो हम लोग रास्ते में ही, मतलब अंदर बहुत जाना पड़ रहा है, तो इसके वजह से रास्ता ही बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता ही है, और रोड भी बहुत ख़राब है, आप लोग को पता ही चल रहा होगा वीडियो में देखने से ही, तो अभी बन ही रहा है ना, तो यहाँ बैंगलोर वाला तो अभी नया ही बन ही रहा है, लेकिन वो जो कोयम्बतूर का है वहाँ का बन चुका है, वहाँ का बहुत ही अच्छा है, तो और वहाँ का मतलब इतना अच्छा मूर्ति बनाया है ना, जो भी बनाया है गजब का मूर्ति, इतना बड़ा मूर्ति है, और एक एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दिया गया है, और जब लाइटिंग होता है ना तो सांप भी, जो सांप है ना भोले बाबा के गले में, वो तो खेलता है, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग को मिलेगा देखने के लिए, तो आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा आप लोग को, तो हाँ हम लोग नहीं पहुंच पाए थे, तो अभी हम लोग जाएंगे वहाँ पे भी, देखेंगे कि कब, तो वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे तो उसका भी ब्लॉग बनाएंगे, तो अभी तो हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन जब मैंने वीडियो देखा ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बोला फिर से हम लोग जाएंगे, तो हस्बैंड बोले हाँ अब शाम को लेके चलूँगा, ताकि लाइटिंग वगैरह भी तुम लोग देख लो, जो मेन शो है वो तो तुम लोग देखे नहीं, मुझे भी लगा कि 4-5 बजे मंदिर बंद हो जाता है,
तो हमें क्या पता था कि वो असली दर्शन तो शाम को ही होता है। तो देखिए यहाँ से ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, वही है मंदिर, पहाड़ के ऊपर बनाया गया है और बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं हम लोग, और यहाँ से देखिए आधा से ज़्यादा लोग दर्शन करके आ भी रहे। जो लोग बहुत दूर के होंगे तो वो लोग चले जा रहे हैं, जो लोग अगर रात में यहाँ रुकना होगा या कहीं होटल वगैरह बुक किए होंगे तो वो लोग अभी जा रहे हैं, देख दर्शन करके आ जाएंगे या रहेंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन हम लोग को तो पता ही नहीं था। हम लोग तो इसलिए गए, हस्बैंड हम लोग और मैं, बच्चे, हस्बैंड तो गए और हम लोग रिटर्न भी आ गए जल्दी। हम लोग रुके भी नहीं क्योंकि हम लोग बेंगलोर में ही थे तो ज़्यादा दूर नहीं था, एक तो हमारे यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता ही है। तो हम लोग गए और आ भी गए, हम लोग रुके नहीं, हम लोग होटल नहीं बुक किए क्योंकि हम लोग को ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो इसलिए हमको होटल का बुक करने का ज़रूरत नहीं था। लेकिन अभी हम लोग जाएंगे तो रात में ही जाएंगे और रात में ही आ भी जाएंगे। और यहाँ देखिए बहुत भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। छुट्टियों का समय रहता है तो भीड़ बहुत रहती भी है, और छुट्टी होने की वजह से ना तो यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं, अभी सब लोग पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग ही मिलना सबसे बड़ा चैलेंज है अभी। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, गाड़ियों की लाइन आप लोग देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा गाड़ी गाड़ी पूरा बहुत दूर तक ये लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ी की। तो सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पर क्या बोलते हैं, पार्किंग ढूंढना। और यहाँ तक चारों तरफ जिसको जहाँ मिला है वही पार्क कर करके आ रहे हैं सब लोग। इसका पार्किंग का चार्ज लेते हैं ये लोग, बिना चार्ज का नहीं रह, चार्ज लगता ही है यहाँ पे पार्किंग का। तो वही लोग जगह बताएंगे और वही लोग देंगे क्योंकि उनका वही काम ही है। तो अभी पता नहीं और अभी कितना अंदर जाना है मुझे भी मालूम नहीं, अभी हम लोग चल ही रहे हैं। मंदिर में हम लोग पहुंच चुके हैं, खाली पार्किंग के लिए अभी जगह ढूंढ रहे हैं सब लोग, पार्किंग की जगह मिल जाए बस। तो अभी पार्किंग का जगह अभी नहीं मिला, आप लोग देख सकते कितना दूर तक गाड़ी का लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। तो पार्किंग वही लोग देंगे, तो अच्छा दिमाग लगाए वो लोग, मतलब जितने गांव वालों की ज़मीन थी सब लोग अपना दे दिए हैं पार्किंग वगैरह में शायद। तो पार्किंग का अच्छा खासा रोज का उनका पैसा आता होगा, तो ये सबसे अच्छा बिजनेस है। और यहाँ पे अभी सब लोग निकल ही रहे हैं और अभी गाड़ी रुकी हुई है क्योंकि, और अब पहुँच गए फाइनली हम लोग धाम में। तो यहाँ पे इतना दूर देखिए कितना अच्छा बना है यहाँ पे मंदिर, अभी अंदर है ये तो ऐसे ही बना हुआ है, आगे का है तो यहाँ चेकिंग वगैरह होता है, चेकिंग करके तभी जाना है। और यहाँ मेरा बुबू परेशान हो गया है, उसको लाए यहाँ पे, अभी उसको खेलने कूदने को चाहिए। बहुत परेशान हो गया अभी, उसको पानी वगैरह पीना है, अभी देख रही हूँ पानी खरीद के लाते हैं, पानी देंगे उसको पीने के लिए, पहले पानी पिलाऊं बब्बू को। यहाँ पे ना गर्मी लग रहा था, पता नहीं क्यों मौसम इतना होता लेकिन तब पर भी गर्मी लग रहा था हम लोग को। ये देखिए भोले बाबा का मूर्ति दिख रहा है आप लोग को थोड़ा थोड़ा, इतना ऊपर है ना मंदिर मूर्ति, देखिए यहाँ से आप लोग को दिख रहा है। पहले मैं सोच रही हूँ बब्बू को पानी पिला दूँ, उसके बाद मैं अंदर जाएंगे। तो ये सब ऐसे बैठने वगैरह के लिए बना है, बहुत बड़ा है अंदर से। और ये देखिए अंदर का व्यू, यहाँ से मैं दिखा दे रही हूँ आप लोग को, अभी तो चेकिंग वगैरह चल रहा है। और यहाँ बेटा को बोल दिया मैंने तो ब्लॉगिंग कर ले थोड़ा सा, मैं इधर जा रही हूँ अभी बब्बू को पानी वगैरह पिला देती हूँ थोड़ा। यहाँ पे हो रहा है चेकिंग अभी सबका अंदर जाने के लिए।
यहाँ पर मैं खड़ी हुई हूँ बुब्बो को लेके, और बेटी भी है, हस्बैंड गए हैं पानी लेने के लिए। यहाँ बेटा मेरा घूम घूम के ब्लॉगिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है, बोल रहा है मम्मी मैं दिखा के आता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो घूम घूम के दौड़ दौड़ के जितना वो बना लेगा उतना मैं नहीं घूम पाऊँगी। तो वो बोला मम्मी मैं घूम घूम के बना के आता हूँ, बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद में। लेकिन गर्मी लग रहा था पता नहीं क्यों। वहाँ बुब्बू मेरा थक के बैठ गया है तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, बुब्बू को मेरे कुछ होता है तो अभी बैठा हुआ है, अभी उसको थक गया है एकदम, हाँ रहा है पानी के लिए, पानी अभी दे देती हूँ पी लेगा, फिर उसको कुछ खिलाएंगे, खाना वाना देखती हूँ कुछ उसके लिए मंगा के फिर उसको खिला देती हूँ मैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, तो यहाँ से लास्ट तक पार्किंग हुआ है, इतना गाड़ी, इतनी भीड़ है अंदर, बहुत भीड़ है। अभी सब लोग आ ही रहे हैं शाम के टाइम पे, क्योंकि शाम को सबको रात में रुकना होगा जिसको जिसको, तो वो लोग देखेंगे। यहाँ आसपास तो होटल नहीं है, थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा होटल, तो यहाँ तो पूरा लोगों ने देखा ही पूरा पहाड़ी पहाड़ है। और यहाँ पे बब्बू मेरा एकदम लौट गया है, एकदम थक के एकदम वो हो गया है, चूर चूर हो गया है। तो यहाँ भी सब लोग आ ही रहे हैं, और बहुत ही बड़ा, मतलब कि बहुत बड़ा मंदिर बना, पूरा पहाड़ वहाड़ तोड़ के, और गांव वालों की शायद ज़मीन वगैरह भी है, वो सब भी शायद उन्होंने दिया होगा या पार्किंग के लिए। तो खेती, मुझे लग रहा है खेती जितना था वही सब पार्किंग के लिए यूज़ हुआ था। तो यहाँ सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ रहती है, उस और बाकी टाइम में मुझे नहीं पता भीड़ रहती है कि नहीं रहती है, कि सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है। यहाँ हस्बैंड आ गए बुब्बू के लिए, पानी लेके उसको पिला देती हूँ। और यहाँ देखिए हम लोग अंदर आ गए हैं, और यहाँ आदि योगी जी का, ये देखिए भोले बाबा का मूर्ति, कि छोटी छोटी चीज़ का ध्यान दिया गया, कितना सुंदर मूर्ति है। अभी हम लोग जाएंगे वहाँ तक भी, ऊपर भी जाएंगे, तो मैं यहाँ से दिखा रही हूँ आप लोग को, यहाँ से इतना दूर तक बहुत ही अच्छा मंदिर लगा, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मौसम भी देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत है, और इसमें ना रात में इतनी गजब की लाइटिंग होती है कि पूछिए मत, हम लोग को पता ही नहीं था, लेट पता चला हम लोग को। जब पता चला तो फिर हस्बैंड बोले जाने तो फिर से ले चलेंगे, कोई बात नहीं। तो यहाँ मैं आ रही हूँ, बेटी आ रही है, हम लोग जा रहे हैं अभी। अभी सब लोग आ ही रहे थे, बहुत लोग आ गए अभी। और अब मैंने कैमरा ले लिया, मैंने बोला तो मैं ब्लॉगिंग कर देती हूँ। मेरा बेटा बोल रहा है चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर और अच्छा मतलब वीडियो दिखा बना सकते हो और सब कुछ दिखा भी सकते हो, भगवान की मूर्ति और पास से दिखाना। देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है मूर्ति। जो लोग नहीं पहुँच सकते हैं वो लोग यहीं से वीडियो से ही दर्शन कर लीजिए योगी भगवान का, हरे शंकर जी का। तो बहुत यूट्यूबर आए थे, बहुत लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, बहुत लोग शॉर्ट वीडियो बना रहे थे, तो आप लोग देख ही रहे हैं वीडियो में, तो बहुत सारे यूट्यूबर थे, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे थे, शॉर्ट वीडियो बना रहे थे। और ये देखिए ऐसा लग रहा है आसमान जैसे शंकर भगवान को छू। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो कैसा लगा आप लोग को मेरा ब्लॉग,